ये है क्वेरेसी हलाल मीट शॉप। यहाँ पे फिश भी मिलता है, मीट और फिश दोनों मिलता है। ये नेपसराई में है। यहाँ पे मटन भी मिलता है। मटन अभी क्या केजी है? अभी 700 रुपया। इसमें ये जो मागुर है कितना का है? 160। ये मागुर 160 रुपया है। थोड़ा रखो, मैं अभी वो छोटे मच्छी काटूंगा। ये टेंगड़ा बोलते हैं। टेंगड़ा? हमारा उड़ीसा में कंटिया बोलते हैं। अच्छा, ये क्या खेती होता है और ऐसे नदी से आता है? पता नहीं कहाँ से। पता नहीं, ये नदी का है। लेके तो आते हैं हम। नहीं, ये तो नदी का नहीं लग रहा। इल्सा 1200 रुपया केजी है। नहीं नहीं, वो केजी हो जाएगा। हाँ, 1 केजी हो जाएगा। नहीं, 1 किलो नहीं, 700 ग्राम। ये 700 ग्राम का इल्सा है। नहीं नहीं, वो कम होगा, वो 500 होगा। क्या ये छोटा वाला? छोटा वाला, छोटा वाला 500 होगा। 600। हाँ, 600 ग्राम। 600 रुपया। 600 प्राइस ग्राम हुआ। अब उसके बाद अकाउंट होगा। 720 रुपया पड़ेगा। 720 रुपया, 1200 हिसाब से करेंगे तो। अगर जी दे रही हूँ 2 मिनट, मत जाओ, अभी दे रही हूँ। हो गया? क्या हो गया? खट्टा मजा कुछ अच्छा नहीं। आप पैसा नहीं लेते हैं ना, वही द्वारा छुपा के लड़का कर लाया हूँ। लेके आ गए हो? कितना आ गया? 100 रुपये जो खाया है। सो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अंकल जी, ऐसे मत करा करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप इतना मेहनत करते हो इसलिए मैं देती हूँ यूट्यूब में, क्योंकि फोन से ना बहुत दिक्कत होता है। हाँ, बनाना एक चैलेंज है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेफाली। शेफाली है? शेफाली हालदार मेरा। अच्छा, कम से कम कितना अच्छा है, लॉकडाउन से हमने शुरू किया ये मछली का। अच्छा, इससे पहले क्या कर रहा था? इससे पहले हम दोनों ही जॉब, वो भी मेरे हस्बैंड भी काम करते थे और हम करते थे घरों में काम। अच्छा, तो जब ऐसे लॉकडाउन लग गए, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए यही काम में। जैसे अभी अंकल जी आए लॉकडाउन से मेरे पास आता है और मैं ऐसे मच्छी उनको दे देती हूँ। उनका थोड़ा पैर से थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए अंकल जी आप आज छुप छुप के उनकी किसी लड़का को ले आए। अगर आप पैसा नहीं ले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठीक ठाक चल रहा है दुकान? अभी थोड़ा 5 तारीख से ओपन किया ना, वो थोड़ा वहाँ पे हमारा 3 नंबर गेट पे था ये पहले। अच्छा, जो विशाल मेगावाट उसके सामने बिल्कुल पॉजिटिव में, तो वहाँ पे पहले हुआ करते थे तो बहुत अच्छा चलते थे। अभी यहाँ पे बहुत थोड़ा ढीला ही है मान लो। अच्छा, तो एक दिन में कितना मछली लाते हैं यहाँ? एक दिन में हम कम से कम, जैसे अभी 2 दिन का मछली लिया है, 10,000 का मछली लिया है। हाँ, अब सेल होगा 2 दिन में, फिर उसके बाद लाएंगे। अच्छा, कहाँ से लाते हैं? गाजीपुर मंडी। गाजीपुर मंडी से डेली नहीं ला पाते हैं। अच्छा, एक दिन सोचो। गाजीपुर मंडी यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 1 घंटा की, मतलब अपने अगर जैसे स्कूटी में जाते हैं तो कितना? आप खुद जाके ले आते? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड जाते हैं। रहता मैं दुकान में रहती हूँ, बस ये भोला मच्छी बोलते हैं। किसको? भोला। भोला भोला। और इसको क्या बोलते हैं? इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? हम सबको तो कुछ नहीं पता। अच्छा, ये तो आरी है, इसको आरी बोलते हैं हमारा उड़ीसा में। ये जो है आपको पता है आरी है? नहीं, आप ऐसे बोल दे। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये तो चिल्वा बोलते हैं। चिल्वा हमारा नहीं, जाओ आप। जल्ला बोलते हैं। ऐसे नहीं, ये ले रहा है ना, ठीक है जाओ। इसको क्या बोलते हैं आंटी? इसको क्या बोलते हैं? ये कौवा मछली बोलते हैं। कौवा मछली,
हमारा इसको गंगेश्वरी बोलते हैं, जितना लेना था मैंने, इसको फड़ी बोलते हैं हमारा यहाँ ओडिशा में। आपका क्या बोलते हैं? ये चिलवा बोलते हैं। चिलवा एक खान साहब है, वो मटन और चिकन का वो देख रहा है इस दुकान में उनका, और दीदी ने फिश का देख रहा है, उनका हस्बैंड फिश ला के उनको दे रहा है गाजीपुर मंडी से, वो यहाँ पे बेच रहा है। नहीं, मैं भी देखता हूँ आपका पास जो भी मछली है, फ्रेश है, अच्छा है, वो बहुत वैरायटी भी है, छोटा है। वैरायटी तो अभी कम हो गया, दो तीन आइटम कम हो गया इसमें। अच्छा, तो बाकी ऐसे वैरायटी हमेशा रहते हैं। हाँ, कम से कम 20 आइटम हमेशा मिलेगा। 20 आइटम मिलेगा जी। तो अभी भी लगभग 10-12 आइटम है हमेशा मछली का आइटम, और बंगाली हूँ तो उसी हिसाब से आइटम रखने की कोशिश करती हूँ, जो कस्टमर कहीं और जगह में ना जाए, मिल जाते हैं हर तरीके। नहीं, मछली का एक एक करके भी छोड़ सकते हैं ना। हाँ, हो सकता है। तो सुबह 5 बजे या 3 बजे से भी जाओगे तो आप हर आइटम मिलेगा, जितने लेट जाओगे उतना कम होते जाएंगे। अच्छा, क्योंकि बिक जाता है जल्दी। अच्छा, जो सप्लाई तुम्हारा जो हस्बैंड जाता है गाजीपुर, कितना बजे जाता है? वो जाता है जैसे अभी वो नाइट पे गए हैं, अभी बार टेंडर है, बार में काम करता है। अच्छा, तो वहाँ से पूरे रात वहाँ ड्यूटी करता है, फिर उसके बाद जैसे मैं अभी बता दूंगी फोन पे। अच्छा, यही मछली लाना है वो तो लेके आ जाएगा, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है मंडी। अच्छा, 4 बजे 5 बजे जब भी टाइम हो जाता है, वहाँ से फ्री हो जाता है तो वहीं से निकल जाता है, फिर उसके बाद मछली वच्छी ला के यही पे आता है वही 10-11 बजे, क्योंकि घूम घूम के मार्केट करना पड़ता है। अच्छा, मेरा 2-3 मार्केट है ना, क्योंकि ये जो देसी मुर्गा जो है ये अलग है। अच्छा, मंडी। अच्छा, तो देसी मुर्गा भी रखा हुआ है। अच्छा, तो उसका मंडी अलग करना पड़ता है, और मच्छी का भी अलग अलग ही मंडी है। ये भी देसी मुर्गा यहाँ रखते हैं। ये देसी मुर्गा का क्या दाम है? 400 रुपए, मतलब लाइफ जी? हाँ, 400 रुपए किलो। अच्छा, के ऐसी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे कोई कोई गर्म पानी में वो करके ले जाना चाहते हैं, स्किन वाला भी आप देते हैं? स्किन वाला हो जाता है। अच्छा, अलग से 70 रुपए चार्ज होता है। अच्छा, बाकी हो जाता है। ये दोनों हिल्सा फिश है, ये भारत का सबसे प्रीमियम फिश है, बंगाली लोग खाने के लिए उनको तड़पते हैं तो अभी 2500 रुपए किलो है। अच्छा, अभी तो नहीं, अभी तो 1200 में आप दे रहा है? मैं तो 1200 में दे रही हूँ। अच्छा, अभी इस टाइम 2500 रुपए किलो। अच्छा, और अगर वो महंगा वाला चाहिए, मतलब वो वाला चाहिए, अच्छा वाला जो बहुत टेस्टी वाला, वो कितना है? वो कम, वो जब बारिश होता है ना, जिस टाइम बारिश होता है वो उस टाइम जो हिलसा आता है वो बहुत ही टेस्टी वाला। अच्छा, वो बहुत ही स्वादिष्ट वाला आता है वो।